अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं हूं सैयद ख्याल और आप देख रहे हैं एस के मैथामेटिक्स बुक जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं स्टीवन जेम्स वार्ड का कम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एंड इट्स इट्स एप्लीकेशन चैप्टर नंबर वन कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज वन काफाइड दैट ए हमारे पास अंडर माइनस आईओ माइनस अयोठा वन माइनस अंडर टू अयोठा इजिकल टू माइनस टू अयोधा इसको हमने प्रूव करने वेरीफाई करने तो हमारे पास ये जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करने हैं ये आई हम अयोधा हमारे पास है अयोधा को पहले वन से मल्टीप्लाई करते हैं फिर अंडर रो टू अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सैंपल आपने ये लिखना है इज इक्वल टू हमारे पास ये तो सिंपल आ जाएगा अंडर रू टू माइनस अयोठा माइनस वन अयोधा माइनस अयोधा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट उठू आयोटा 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 स्क्वायर आपको पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन की इक्वल है बाकी किसी भी यानी रियल नंबर में अगर हम कम्प्लेक्स स्क्वायर लेते तो हमारे पास वो पॉजिटिव ही आंसर देता है कभी वो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता सिर्फ कम्पलेक्स नंबर में आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है ये आपने याद रखना है अब आयोटा स्क्वायर आपने आयोटा स्क्वायर लेंगे तो माइनस वन हो जाएगा माइनस वन करके तो ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस आयोटा तो माइनस टू अयोधा अब ये और ये कैंसल हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टू आठा आंसर ये प्रूव हो गया अब क्वेश्चन नंबर टू है टू एंड टू माइनस थ्री और माइनस टू ओ वन इज इक्वल टू माइनस वन और एट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ये हमारे पास माइनस टू और टू और माइनस थ्री है तो हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं टू माइनस थ्री आठा और दूसरा हमारे पास क्या है माइनस टू प्लस

टू आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस थ्री आयोटा एन तो माइनस फोर माइनस थ्री एंड टू माइनस वन आयोटा की कीजा प्लस एट आयोटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री प्लस एट आयोटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वन और माइनस वन प्लस एट आयोटा तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन और एट ये क्वेश्चन नंबर टू है ये uh, जितना है मैंने प्रूव कर दिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है थ्री और वन एंड टू थ्री और माइनस वन एंड टू वन और फाइव और वन और टेन इज इक्वल टू टू और वन पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी थ्री प्लस आयोटा एन टू थ्री माइनस आयोटा ये आप पे वन और फाइव प्लस वन और टेन आयोटा अच्छा पहले आप इस थ्री को इस थ्री के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास थ्री थ्री नाइन हो जाएगा फिर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा इसके साथ इसको इसके इसके साथ हो तो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ गया और उधर से दूसरी साइड से वन और फाइव प्लस वन और टेन आयोटा सैंपल लिख लो आप अब आपने क्या करना है नाइन माइनस एन टू माइनस वन तो मैं नाइन माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा ना तो ये आप ऐसे लिख ले वन और फाइव प्लस वन और टेन आयोटा अब हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन ये नाइन प्लस वन हमारे पास टेन हो जाएगा टेन एंड टू वन और फाइव प्लस वन और टेन आयोटा आपने इस फाइव को मल्टीप्लाई कर टेन को मल्टीप्लाई करने टेन और फाइव प्लस टेन और टेन आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा टू प्लस आयोटा तो हम इसको लिख सकते हैं टू और वन ये क्वेश्चन नंबर थ्री था जो प्रूव हो गया आप इधर से देख भी सकते हैं कि मैंने इधर साफ साफ लिखे हैं कि मैंने इधर सॉल्व किया आप लोगों को समझाने के लिए तो आप इधर से देख सकते हैं ये सिंपल कंसेप्ट हैं।